चलिए समाजवादी पार्टी के कुछ और अन्य लोगों के पास चलते हैं, नेताओं के पास चलते हैं, जानते हैं उनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पे पूरे चुनाव के ऊपर। जी सर, क्या नाम है आपका? इंद्रेश यादव जी। मैं सदस्य हूँ 26 नंबर वार्ड से जी। जो आज निर्वाचन हुआ है इसको लेकर पिछले 2 सप्ताह से जनपद कन्नौज का कलेक्टर और कप्तान चौन रहे थे जी। बराबर घरों में दबिश दे रहे थे, घरों में घर के परिवार के लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, हम लोगों के कॉलेज मकान नाप रहे थे, गिराने की धमकी दे रहे थे। इन लोगों ने निर्वाचन आयोग में पहुँच कर वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और परेड की। वहाँ से जब भरोसा मिला कि आपका वोट पड़ेगा तो हम लोगों ने रात देर रात तक घरों में आकर अपनी तैयारी की, सुबह आके मतदान किया और समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीतेगी। किसी कीमत पे समाजवादी पार्टी नीचे होने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी बहुमत में है, 17 लोगों ने वोट दिया है। तमाम ये पैसा लिए घूम रहे थे, मुकदमा लिए घूम रहे थे, घर गिराते घूम रहे थे, लोगों ने दबाव नहीं माना, मतदान किया है। अगर ये सरकार की दूसरी कोई बेईमानी की नीयत हो, वो अपने ऑफिस के अंदर बेईमानी कर लें तो भले चुनाव हार जाए, ना वरना हमारी पार्टी चुनाव जीत के आ रही है। तो सर आप बंधक थे क्या? सत्ता पक्ष की ओर से एक बयान आया शाम को कि आपको बंधक बनाया गया है, ये बात सही है सर? जो लोग कह रहे थे बंधक बना रहे हैं वो इतने बड़बोले लोग हैं, उनको राजनीति करने की अकल नहीं है। हम वही हैं, हमने उनको कन्नौज के जनपद में कभी राजनीति नहीं करने दी, अपने पैरलर कभी खड़ा नहीं होने दिया, उनको दौड़ा दौड़ा चुनाव हराया हमें, हमने हमेशा। अब की बार सत्ता का दुरुपयोग करके लोकसभा के मेंबर बन गए हैं और आने वाले समय में उनको अवकाश बताएगी क्षेत्रीय जनता। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख इंद्रेश जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। तो चलिए अगले नेता के पास चलते हैं।